A celebration, it's a festival. How do I put it? Because I really don't have those words to express my happiness. And not just me, I guess the entire fraternity is so happy. The film industry is celebrating because. दोस्तों कल की 2898 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखने के बाद डे नंबर 3 भाई 230 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन हिंदी में ठोकने वाली मूवी कल की अब कहीं भी रुकने वाली नहीं है और पूरी दुनिया में 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर नंबर 1 इंडियन साइंस फिक्शन मूवी बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी ने तहलका मचा दिया है और तरुण आदर्श का कहना है कि अब कल की को कोई रोक नहीं पाएगा। ये मूवी इंडिया की दुनिया की नंबर 1 सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बनने वाली है। 400 करोड़ रुपए 3 दिन के अंदर 230 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन इंडिया से। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मूवी कितने करोड़ की कलेक्शन करने वाली है क्योंकि इस मूवी के अंदर वो सब कुछ है जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये मूवी हर लिहाज से बॉक्स ऑफिस के ऊपर बड़े बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर रही है। पूरी दुनिया में इस मूवी ने जवान, पठान, सलार और भाई बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, केजीएफ 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। लेकिन जो लोग भाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, अब मुँह के ऊपर तमाचा लग चुका है। आदि पुरुष के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रभास को ट्रोल किया गया था, लेकिन भाई कहते हैं ना देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और कल की 2898 से जो कमबैक किया है प्रभास ने, उसको देखने के बाद तो आंखें खुली की खुली रह गई है। उसी के साथ अमिताभ बच्चन को जिस लिहाज से अश्वत्थामा के कैरेक्टर में बनाया गया था, उसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया था और भाई अश्वत्थामा के कैरेक्टर को जिस लिहाज से अमिताभ बच्चन ने निभाया है, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा कूल है। भगवान कृष्ण से लेकर महाभारत के वो हर एक सीन को काफी ज्यादा डिटेल में बनाया गया है और यही रीजन है कि ये मूवी ऑडियंस को काफी ज्यादा इंस्पायर कर रही है। इस मूवी के अंदर जो भी भावनाएं जुड़ी हुई है, जो भी त्रेता युग से लेकर कलयुग के बीच की कहानी दिखाई गई है, वो सब कुछ सच लगता है। हो सकता है कि ये युग हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिले और जिस लिहाज से कलयुग के अंदर पाप बढ़ रहा है, इस मूवी के अंदर जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, सब कुछ सच नज़र आता है। दोस्तों आपको ये मूवी कितनी पसंद आई और आपको क्या लगता है कि ये मूवी कितने करोड़ का कलेक्शन और कर सकती है? क्या ये 1200 से लेकर 2000 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने में कामयाब होगी? अपना कमेंट लाजमी करना। अगर आप बाहुबली प्रभास के डायट फैन हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।